की औरंगजेबाचा दरबार भरलेला आहे. औरंगजेबाचे मनसबदार उभे आहेत, म्हणजे उजव्या हातावर डावा ठेवायचा आणि खाली मान घालून उभं राहायचं. कुणी हूं की चू करायचं नाही बरं का, शब्द काढायचा नाही. तुम्हाला अर्ज करायचा असेल तर अर्ज बेगी नावाचा प्रकार असतो, त्याच्याबरोबर तो अर्ज द्याय. तिथं शिवाजी महाराज कडाडले होते, म्हणजे काय झालं असेल त्या दरबारची अवस्था देव जाणे. पण एका बाजूला त्याचे शहाजादे आहेत, म्हणजे पोरो उभे आहेत औरंगजेबाची, त्यांना ते सगळं समजावून सांगतोय. आणि औरंगजेबाच्या अलकाबाचे नारे चाललेत, म्हणजे हजरत सलामत, किबला ए दीनो दुनिया, अबुल मुझफ्फर मोईउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब शहनशाह गाजी आलमगीर बहादर, अलकाब चाललेत. आणि औरंगजेब येतोय आणि म्हणतोय, ये सब फिजूल है शहजादे, चंगेज और तैमूर के खून ने कभी शिकस्त नहीं देखी, लेकिन आज कंधार से तंजोर तक सारे हिंदुस्तान को मुगलिया सल्तनत में शामिल करने का ख्वाब देखने वाले माँ दौलत ये आज क्या देख रहे हैं. हमारी आंखों के सामने शिवाजी अपनी सल्तनत की तामीर कर चुका है, हमारे लाखों के फौज के सूबेदारों को शिकस्त देकर खदेड़ दिया है उसने. यह है हमारे मामूजान अमीरुल उमरा शायस्ता खान साहब. सबसे शर्मनाक बात तो यह है शहजादे कि शिवाजी ने इनके लाल महल पर छापा मारकर इनके छक्के छुड़ा दिए. ये तो तकदीर के सिकंदर थे कि जान बच गई, सिर्फ तीन उंगलियां ही खोनी पड़ी इन्हें. ये है हमारे सिपहसालार जसवंत सिंह जोधपुर महाराजा, मराठों के मार के जख्म इन्होंने सीने पे नहीं पीठ पे खाए हैं. यह है सूरत के खूबसूरत सुबहदार इनायत खा बहादुर, शिवाजी सूरत आए तो ये सूरत से दुम तबा के भाग गए. यह है हफ्शी फौलाद खान, इनके हथेली पर मिठाई रखकर शिवाजी आगरा के कैद खाने से फरार हो गए. हमारे सारे मनसूबों को खाक में मिला दिया इस फौलाद खान ने. यह कारतलब खान, ये रसूल बेग रोजबानी, ये मीर आतिश तरबियत खान, ये खान जहां बहादुर, बहादुर खान कोकलताश, ये बूंदी नरेश भाव सिंह हाडा, ये रंगमस्त खान, ये केसरी सिंह, ये सैयद मुनव्वर खा बारहा, तमाम सारे राजपूत बुंदेल तुर्क ईरानी अफगानी उज़्बेकी हफ्शी मुगल फौजमन सरदार जिन्हें शिवाजी ने शिकस्त दी, सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी. क्यों क्यों शिवा को यह फतह हासिल होती है? हमारी तरह गोला बारूद हाथी घोड़े खजाना तोपे शिवा के पास नहीं है, फिर भी फतह हासिल होती है उसे. क्यों? ये क्यों का मतलब तुम कभी नहीं समझ पाओगे शहजादे, तुम कभी नहीं समझ पाओगे. औरत शराब नाच गाने मौज मस्ती और इश्क मोहब्बत में गिरफ्तार तुम जैसे बहादुर शिवा को कभी नहीं समझ पाओगे. इस शिवा ने मजबूत किले बनाए, इस शिवा ने मजबूत किले बनाए, अपनी फौज और असला बढ़ाए, नए जंग बहरीन की तामीर की है उसने. लेकिन उससे भी कई ज्यादा न जीते जाने वाले मजबूत जमीर के लोग तैयार किए है उसने. हमने सिवा के लोगों को लाखों के जागीर का लालच दिया, लेकिन उन जांबाज मराठों ने उस पर थोक दिया. आज तक हम दुनिया की हर चीज खरीद सकते थे, लेकिन सिवा के उन खुद्दार खादिमों ने खुद को बिकने नहीं दिया. वे रुकते नहीं, वे थकते नहीं, वे झुकते नहीं और वे बिकते भी नहीं. शिवाजी घाघ है, चालाक है, ठगाबाज है, नामाकूल है, मगरूर है, बदकार है, लेकिन उसका चाल चलन दूध की तरह साफ और सूरज की तरह चमकदार है. दुश्मन के भी मजहब मजहबी कलाम औरत और फकीरों की इज्जत करता है वो, इसीलिए उसकी इज्जत और शोहरत बुलंद मीनार की तरह सर उठाए आसमां को छू रही है. इसमें कोई शक नहीं शहजादे कि हम खुश नसीब है,
हमें दुश्मन भी जो मिला वो शिवा जैसा। चारित्र्य हे अतिशय मोलाचं, आणि अलीकडच्या काळात सांगण्यासारखं काही एकच मुद्दा असेल तर तो चारित्र्य। सांगितलं त्याने एवढं बाळगलं तरी बास आहे असं मला वाटतं। काही शिकायचं असेल त्याच्यातनं तर एवढा एक जरी मुद्दा शिकला, एक गण शिकला, तर मला असं वाटतं आपल्या आयुष्याचं सोनं होऊन जाईल सगळ्या।